फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई एक अनबॉक्सिंग की वीडियो। ये हमने अमेजोन से एक टेबल टॉप परचेस किया था। ये मैंने अपनी बेबी के लिए परचेस किया है। इससे अपने बच्चे को हम पढ़ा भी सकते हैं और एक गेम है, इससे बच्चे खेल भी सकते हैं और इससे बच्चों का जो माइंड है काफी डेवलप होता है। ये ब्रेन डेवलप के लिए ही है ये गेम। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था अमेजोन पर, तो मैंने इसे अपने बेबी के लिए परचेस किया है। अभी लॉकडाउन लग रहा है तो बच्चे बोर हो गए हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बाहर भी नहीं कहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चों के लिए ऐसी चीज मंगाई जाए जिससे कि बच्चे बहुत ही एंजॉय करें और उससे बच्चों की नॉलेज भी बहुत बढ़े, जिससे मेरे बेबी का माइंड भी डेवलप होगा और वो इससे खेल भी सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अंदर से कैसा है। मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। तो सीजर से सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। लिया है, इसके अंदर एक बॉक्स निकला है। ये अंदर से ये दो बॉक्स निकले हैं जिसके ऊपर लिखा है थिंग्स दैट गो टुगेदर, और एक ये दूसरा बॉक्स निकला है, इसके ऊपर लिखा है मैच एंड लर्न। मतलब बच्चा इससे मैच भी कर सकता है और इसको लर्न भी कर सकता है। तो देखते हैं हम इनके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये वाला बॉक्स खोल के देखते हैं। पॉलीथीन से पूरा पैक है, तो पॉलीथीन हम इसकी निकाल देते हैं। पॉलीथीन हम इसके ऊपर से हटा दी है। इस बॉक्स को हम खोल लेते हैं। इसके अंदर एक कागज है, साइड में रख देते हैं, और इसके अंदर ये कुछ कार्ड्स निकले हैं। ये सारे कार्ड्स हम निकाल लेते हैं बाहर। तो इसमें बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, जैसे कि इसमें एक फिश बाउल भी है और इसमें ये हैमर भी है, इसमें बेबी भी है ये देखिए, और इसमें ये टाइगर भी है। तो ये सारे हमें मैच करने वाले हैं, इन सबको मैच करना है। इसमें फ्लावर भी है और ये इस पर रेन भी है, बारिश पड़ रही है, रेन बच्चों को इसको दिखा सकते हैं। स्कूल बैग भी है, ये टूथपेस्ट भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इन कार्डों से बच्चे कैसे खेलते हैं और इसको कैसे बच्चों का माइंड डेवलप होता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये सारे देख लीजिए आप। तो बच्चों को ये सारे मैच करने पड़ते हैं। तो इसमें ये सबसे पहले क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये टूथपेस्ट है, तो बच्चों को इसमें ढूंढना है और बताना है कि टूथपेस्ट किस पर लगाते हैं। तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ले लिया ब्रश, तो बच्चे इस तरह से इसको मैच करेंगे और इस तरह से इसमें फिक्स कर देंगे। बच्चे इस तरह से इसको मैच करेंगे और बताएंगे कि ब्रश पे क्या लगाई जाती है, टूथपेस्ट। तो इस तरह से बच्चों को मैच करना है और इस तरह से बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और बच्चों को पता भी चलेगा कि टूथपेस्ट कहाँ यूज की जाती है। इसी तरह मैं आपको और भी दिखाती हूँ, जैसे कि ये रेन है, जैसे कि ये रेन है, तो बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि ये रेन है तो बारिश में क्या करते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेबी बारिश में क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे बारिश में अम्ब्रेला यूज करते हैं। इस तरह से बच्चे इनको मैच कर सकते हैं, बारिश में क्या करते हैं, बारिश में अम्ब्रेला यूज करते हैं। तो इससे बच्चों का माइंड बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है और बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है। इस तरह से मैं आपको और भी दिखाती हूँ। इस तरह से जैसे कि ये है ड्रम, जैसे कि ये ड्रम है, तो अब इससे पूछेंगे बेबी इस ड्रम से क्या करते हैं, तो बच्चे इसमें ढूंढ के बताएंगे। इतने सारी कार्ड्स हैं तो बच्चे इसमें ढूंढेंगे कि ड्रम के साथ क्या करते हैं। तो इस तरह से बच्चे उठाएंगे और बोलेंगे स्टिक, ये इस स्टिक से ड्रम को बजाते हैं। तो ये स्टिक कहाँ यूज आती है, ड्रम को बजाने के लिए। तो इस तरह से बच्चों की नॉलेज बहुत बढ़ती है
अब मैं आपको और दिखाती हूँ, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है बुक्स। तो बच्चों से पूछो बुक्स, बुक्स किस में रखी जाएंगी? स्कूल बैग में। कहाँ रखी जाएंगी? स्कूल बैग में। तो छोटे बच्चे हैं, अभी उनको नहीं पता रहता है, तो वो ढूंढेंगे इसमें बुक्स किस में रखी जाएंगी, तो स्कूल बैग में रखी जाएंगी। तो बच्चों को इस तरह से ये मैच करना है, इस तरह से बच्चों को नॉलेज भी बढ़ेगी और बच्चों को याद हो जाएगा कि बुक्स कहाँ रखते हैं, स्कूल बैग में। इस तरह से बच्चों को लर्न भी हो जाते हैं। जैसे कि ये नेस्ट है, घोंसला, तो आप इससे पूछ सकते हैं बर्ड। जैसे आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बेबी ये बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है। बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है। नेस्ट माने क्या होता है? घोंसला। तो आप इस तरह से बच्चों को खेल खेल में ये सारी चीजें बता सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। उसका इस तरह से माइंड भी बहुत डेवलप होगा, बच्चों की बहुत नॉलेज बढ़ेगी। बता सकती हूँ, जैसे कि ये क्या है बेबी? लॉक। ये क्या है? लॉक, ताला। बच्चों को आप बता सकते हो, दैविक ये क्या है? बेबी ये क्या है? लॉक। ये क्या है? ताला। ताले से क्या होता है? ताले को किससे लगाते हैं? चाबी। तो चाबी ढूंढो जल्दी जल्दी, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। तो बच्चे इस तरह से इसको ढूंढेंगे, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। तो मुझे भी चाबी नहीं मिल रही है एक्चुअली में, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन नो प्रॉब्लम, ये रही। तो जैसे बच्चों को बताते हैं, बेबी ये लॉक है, लॉक से क्या होता है? लॉक किससे खुलता है? की से। की माने क्या होता है? चाबी। लॉक माने क्या होता है? ताला। और ये क्या है? ताला किससे खुलता है? चाबी से। आप इस तरह से इसको मैच कर सकते हैं, ताला किससे खुलता है? चाबी से। चाबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? की। इस तरह से बच्चों की आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि आप बता सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं कि दैविक बेबी ये क्या है? बेड। ये क्या है बेबी? बेड। बेड पर बेटा क्या लगाते हैं? प्लो। क्या लगाते हैं बेड पे? प्लो। जी बेड पर क्या लगा के सोते हैं? हेड के नीचे क्या लगाते हैं? प्लो। प्लो मीन्स क्या होते हैं? तकिया। तो इस तरह से आप बच्चों की नॉलेज बढ़ा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बच्चों की नॉलेज बढ़ती है इससे। तो इस तरह से बच्चों को आप लर्न करा सकते हैं, आप बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चे इनसे खेल भी सकते हैं। और लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे बोर हो जाते हैं घर ही घर में, तो आप वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे, स्कूल भी सारे बंद हैं, तो बच्चे इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। तो ये वाला बॉक्स मैंने आपको बता दिया कि इसमें इस तरह के मैचिंग कार्ड्स निकले हैं, तो अभी मैं इसको बॉक्स में ही भर देती हूँ। तो ये सारे कार्ड्स मैंने डिब्बे में रख दिए हैं, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैंने आपको थोड़े बहुत ही कार्ड्स के बारे में बताया है। अगर मैं सारे कार्ड्स के बारे में बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे अभी आपको दूसरा बॉक्स भी दिखाना है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। और ये हमारा एक दूसरा बॉक्स है, तो इसको भी हम एक बार खोल कर देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप की चीज़ें निकली हैं। तो इसको भी एक बार, इसके ऊपर पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन में हटा देती हूँ। तो इसका डिब्बा भी खोल लेते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ कार्ड्स निकले हैं और ये सारे कार्ड्स मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये कार्ड्स भी मैचिंग वाले हैं, ये भी मैचिंग कार्ड्स के हैं। तो इसमें फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, इसको भी लर्न करा सकते हैं। जैसे कि ये बनाना है, तो आप बच्चों से बोलोगे ये बनाना है, आप भी ढूंढ कर बनाना दो, तो फिर बच्चे भी ढूंढ कर कार्ड में देखेंगे कि बनाना कहाँ है। तो इस तरह से बच्चा इनको देखकर दूसरा बनाना निकाल कर दिखाएगा, तो फिर बच्चा भी इसको मैच करेगा बनाना, और बच्चा इसको आराम से इंजॉय भी कर सकता है। जैसे कि ये है कैट, तो आप बोलोगे ये बेबी कैट है, आप हमें जरा कैट ढूंढ के दो, जरा वेयर इज कैट। आप बच्चों से बोलोगे वेयर इज कैट, कैट कहाँ है ढूंढ के दो, तो बच्चा भी फिर ढूंढ के देगा, फिर बोलेगा कैट, मम्मा कैट। तो इस तरह से बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी और बच्चों को पता भी चलेगा कि कैट कौन सी है। आप दिखाओगे, फिर बेबी भी उठाकर दिखाएगा, तो इस तरह से इसको मैच कर सकता है कैट। इसी तरह से इसमें सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि ये है, जैसे कि इसमें गाड़ी, तो आप इसमें बोल सकते हो कार, तो बेबी कार ढूंढ के दो, जरा कार कहाँ है, तो बच्चा ढूंढ के इसमें देगा, तो ये बच्चा ढूंढ के इसमें बताएगा कार, कार, ये कार है, तो बेबी भी ढूंढ कर देगा मम्मा कार। जैसे आप बोलोगे बच्चे से बेबी काओ, वेयर इज काओ, तो आपका बेबी भी ढूंढ कर देगा कि मम्मा काओ, मम्मा काओ। तो इस तरह से बच्चों को लर्न भी हो जाएंगे और बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, बच्चों का आई कांटेक्ट भी बढ़ेगा। तो
तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बच्चों की इस तरह की नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। कार्ड्स के मैंने बारे में बता दिया, तो ये सारे कार्ड्स भी मैं डिब्बे में डाल देती हूँ। ये सारे कार्ड्स को वापस मैंने डिब्बे में रख दिया है, तो चलिए देखते हैं मेरा बेटा दैविक, उसको ये कार्ड्स कितने पसंद आते हैं और वो इनके साथ कितना एंजॉय करता है। लेट्स गो। दैविक को मैंने थोड़े से थिंग्स टुगेदर वाली कार्ड्स दे दिए हैं। दैविक शूज में क्या पहनते हैं, मैच करो जरा। सॉक्स, वेरी गुड वेरी गुड। दैविक अम्ब्रेला कब लगाते हैं, मैच करो जरा। अम्ब्रेला कब लगाते हैं, मैच करो जरा। वेरी गुड। अम्ब्रेला कब लगाते हैं, रेनी सीजन में, जब रेन पड़ती है, बारिश में। वेरी गुड वेरी गुड। दैविक बेड पे क्या लगाते हैं, लगाओ जरा। दैविक बेड पे क्या लगाते हैं, मैच करो, जल्दी करो मैच। बेड पे क्या लगाते हैं, पिलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दैविक ताला किससे खोलते हैं, ताला किससे खोलते हैं, जरा मैच करो। दैविक ताला किससे खोलते हैं, मैच करो जरा। चाबी से, वेरी गुड। नीचे रख के मैच करो बेबी, ऐसे ही। दैविक टूथपेस्ट किस पे लगाते हैं, मैच करो जरा। दैविक टूथपेस्ट किस पे लगाते हैं, मैच करो जरा। टूथब्रश पे, वेरी गुड। दैविक ड्रम किससे बजाते हैं, दैविक ड्रम किससे बजाते हैं, ड्रम स्टिक से। ये नीचे रख के लगाओ, यहाँ पे लग के लगाओ। वेरी गुड वेरी गुड। दैविक बैग में क्या रखते हैं, दैविक बैग में क्या रखते हैं, जरा मैच करो। वेरी गुड। ये दैविक ने सारे बहुत अच्छी तरह से मैच कर दिए हैं। दैविक क्लैपिंग कर दो, वेरी गुड। दैविक के सामने मैंने ये थोड़ी सी मैचिंग की कार्ड्स रख दिए हैं। मैं सारे कार्ड्स को एक बार लाइन से लगा देती हूँ, फिर मैं दैविक से मैचिंग कराऊंगी। मैचिंग कार्ड्स को मैंने एक लाइन में लगा दिया है, अब देखते हैं कि दैविक इनको कैसे मैच करता है। दैविक मैच करो जरा, वेरी गुड। गुड बॉय दैविक, गुड बॉय, वेरी गुड। वेरी गुड। दैविक ने मैंगो भी मैच कर दिया है। दैविक एरोप्लेन, एरोप्लेन को मैच करो जल्दी। वेरी गुड। दैविक अब एप्पल को मैच करो जरा, एप्पल। एप्पल को मैच करो, वेरी गुड। दैविक काओ को जरा मैच करो, काओ को। दैविक काओ को मैच करो, वेरी गुड। दैविक जरा पैंट को मैच करो, शॉर्ट्स को। दैविक शॉर्ट्स को मैच करो जरा, शॉर्ट्स को। यस वेरी गुड। वाओ दैविक ने सारे मैचिंग्स बहुत अच्छी कर दिए हैं। दैविक क्लैपिंग भी कर रहा है।